अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जिस तरह के मैंने वो शॉर्ट वीडियो एक बनाई थी वो लगाई है, जिसमें आप लोगों को मैंने कहा है कि जानवरों का आपको शौक रहूँगा। ये पांच मेरे पास जानवर हैं, बच्चे हैं, घर के हैं। मियाँ वाली की मुर्गी थी, थाई क्रॉस का मेरा प्योर मुर्गा था। वो उसकी एक वीडियो है इसके अंदर ही, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। वो मुर्गा मर गया, ठीक है दोस्तों। ये फ़िलहाल अभी उसके पांच बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये पट्ठा है मेरे पास, लेकिन ये इसकी जो है ना चोंच जमांदरू इस तरह की है। ये देखें, ये इसकी ना चोंच जो है ना बचपन से ही ऐसे है। शायद ये अंडे में से इस तरह आया, या फिर मुर्गी के जो है ना पाँव के नीचे आके इसका ये चेहरा जो है ना टेढ़ा हो गया। बिल्कुल वाइट टांग है इसकी, ठीक हो गया। ये था पट्ठा मेरे पास अभी, ये इसकी चोंच थोड़ी बेड़ी। ये मेरे पास है एक माड़ो, माड़ो इसका नाम, माड़ो रखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, बचने के कोई चांस नहीं थे, ठीक है। गर्मी की वजह से इसके ना जो पानी की कमी हो गई थी, तो फ़िलहाल तो मैंने इसे तीन चार बार ग्लूकोज, जिसे अंगूरों की खंड कहा जाता है, वो पानी के अंदर मिक्स करके पिलाई है। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है पहले से। इसकी बिल्कुल वाइट टांग है, ठीक है। जानवर माशाल्लाह रखे हुए हैं, सिर्फ शौक करता हूँ। मर जाएँ वो अपनी अपनी किस्मत है, ना ही कभी मैंने सेल किए हैं तो, और ना ही मैं जो है ना इनकी जो लड़ाई वगैरह कराता हूँ। ये हो गया दो, ये मुर्गा लग रहा है, इंशाल्लाह मुर्गा ही निकलेगा, चाहे इसकी टेढ़ी चोंच है। और ये मुर्गी है। अब ये आ गई इसकी तीसरी बहन। ये इसका चेहरा चेक करें, माशाल्लाह। अबे रुक जा, ये इसकी भी वाइट टांग है, बिल्कुल। ये होगा तीन वाइट टांग वाले जानवर मेरे पास। ओए ओए, ये जो मस्ती बहुत करती है, ये देखें। ये एक दिन पहले ही मुझे इसने हाथ पे काटा है। ये हो गया तीन जानवर। अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों। ये मैं फ़िलहाल इसे मुर्गा ही कह रहा हूँ कि ये मुर्गा ही निकलेगा, अलबत्ता देखते हैं क्या करता है, मुर्गा निकलता है या मुर्गी बनता है। फ़िलहाल मेरे कागजों के अंदर ये नारी है। अगर नार हुआ तो फिर तो माशाल्लाह जानवर देखें आप। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है, और ना ही मैं इन्हें जो है ना अभी पिंजरे वगैरह कुटे वगैरह में नहीं डाल बंद करता। फ़िलहाल इनको मैंने ना एक स्टिक लगाई हुई है, उसमें बैठाता हूँ ताकि इनके पंजा भी कामयाब हो जाए। टांग भी, ये पीली लात है इसकी, अम्मी जो थी वो भी समझ ले पीली लात ही थी, ठीक है। मुर्गा मेरे पास था जो वाइट टांग में था, चेक करें। ये होगा चार जानवर, माशाल्लाह। देखें जानवर का खड़ा होना, आप देखें, सिर्फ देखने का जो है ना कुछ नहीं जाता। ये इनसे जो बड़ा था मेरे पास पट्ठा, इन्हीं के साथ था, जो वो किसी ने चुरा लिया था। दो दिन उसने जो है ना बंद रखा था, बगैर उसे कुछ चारा वगैरह दिए। वो अलबत्ता मैं ढूंढ लाया, लेकिन मुझसे मर गया, वो कुछ समझ ना आया। दोस्तों ये जो जानवर है मेरे पास, कलर चेक करें, टांग चेक करें,
बिल्कुल पीली टांग है, खुश्क नली है, ठीक है। और देखने में हर कोई कह रहा है मुझे कि ये मुर्गी है, लेकिन मुझे ये मादी परा, आपने सुना ही होगा, मुझे ये मादी परा लग रहा है। देखें माशाल्लाह, चेहरा जानवर का बहुत प्यारा है। मियाँ वाली की फिर और थाई का क्रॉस है, बहुत मुश्किल से जो है ना निकाला जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस तरह के मुर्गी मेरे पास थी चीनी, जिस तरह के ये कलर है इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है, वो उसमें इतना ज़्यादा वाइट नहीं, आधा ब्लैक है। और यानी कि वीडियो है ब्लैक जावा जो मेरे पास मुर्गा है उसकी भी वीडियो है, वो वाली मुर्गी है। और मुर्गा मेरे पास है उसकी मैंने अलग सी वीडियो अकेले की डाली है, मैंने हाथ के साथ उसे ना यूँ ट्राई दे रहा था ये वाली, वो भी मेरे पास जो है मुर्गा था वो मर गया, प्योर थाई का क्रॉस था, ठीक है। और तो और दोस्तों जानवर बताएं कैसे आपको लगे, कमेंट्स ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें और वीडियो भी शेयर किया करें। माशाल्लाह जानवर देखें आप, बहुत मुश्किल के साथ वीडियो बनानी पड़ती है हमें। ये दो मेरे पास हैं पीली टांग में और तीन जो है ना वो मेरे पास हैं वाइट में। ये सेंटर वाला मुर्गा लग रहा है ये, और ये भी एक पट्टी है और वो भी पट्टी है। ये मैंने बच्चे इस तरह निकाले थे कि आटे वाली छाननी जिसमें हम लोग आटा छाना जाता है, वो छाननी के अंदर आप अंडे रख दे, जिस तरह के आप एक जो है ना रोटी वाली जिसे छाबी कहा जाता है, चंगेर जिसे कहा जाता है पंजाबी में, चंगेर में मत रखें, आप आटे वाली छाननी लें उसके अंदर अंडे रखें, अंडे रखें और मुर्गी के नीचे रखने से पहले आपने ना कम से कम अंडे वो छाननी के अंदर रखने हैं, ठीक है। छाननी के अंदर रख के फिर आप जो है ना अंडे रख दें मुर्गी के नीचे और बाद में मुर्गी बिठा दें, छाननी निकाल लेनी है, ये नहीं कि छाननी बीच रख दें, छाननी निकाल लेनी है, इंशाल्लाह इस तरह का रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है। चाहे आपके मुर्गी मुर्गा ब्लैक ही है लेकिन इस तरह के बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह। देखें ये मैंने आजमाया है, मेरे पास रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला। मज़ीद जो दोस्त अहबाब इनका शौक करते हैं वो ज़रूर ये शौक करें, इस तरह जो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सलमान की तरफ तमाम दोस्त अहबाब को जो है ना अलविदा, अल्लाह आपको खुश रखे। वीडियो देख के अपनी जो है ना राय ज़रूर बताइए।